सो फाइनली एप्पल की भी अब बजने वाली है, क्योंकि फाइनली जो स्नैपड्रैगन है उसने अपना स्नैपड्रैगन एक्स इलीट रिवील कर दिया है, और हो सकता है कि 2024 तक हम लोगों को जो स्नैपड्रैगन एक्स इलीट है उसके लैपटॉप्स या आईपैड देखने के लिए मिल जाए हमें मार्केट के अंदर। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि स्नैपड्रैगन एक्स इलीट क्या है, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि जो स्नैपड्रैगन एक्स इलीट है वो एक आर्म बेस्ड प्रोसेसर है। विंडोज़ ने करीब 2017 में अपने विंडोज़ ऑन आर्म को लॉन्च किया था और लोगों को कहा था कि भैया देखो आप जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि विंडोज़ 10 जो है वो इनिशियली फ़ोन के ऊपर चलने के लिए बना था, तो विंडोज़ ऑन आर्म का जो आर्किटेक्चर था वो पहले से ही तैयार बैठा था, और उसके बाद इसे यूज़ किया गया काफ़ी सारी कंपनीज के ज़रिए, और हमारे पास जो अभी के लिए एप्पल के मैकबुक आते हैं उनमें जिनमें भी M1, M2, M2 Max तक प्रोसेसर्स लगे होते हैं, ये सारे के सारे आर्म बेस्ड ही होते हैं, ये सारे के सारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। बट वहीं अगर देखा जाए तो हम अगर एप्पल का मैकबुक यूज़ नहीं करना चाहते, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि विंडोज़ का इस्तेमाल करें, विंडोज़ की हमें आदत सी है और अगर हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई एक अच्छा प्रोसेसिंग पावर यूनिट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर आने वाला है। स्नैपड्रैगन एक्स इलीट जो है वो एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग के तौर पे देखा जा रहा है, और इसके अंदर आप लोगों को आर्म टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, यानी कि आर्म आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा, और इसके अंदर जो विंडोज़ का ऑन आर्म आर्किटेक्चर वर्जन है वो चलाया जाएगा, जिसकी वजह से आपको एप्पल के जैसी परफॉर्मेंस आपके विंडोज़ के कंप्यूटर्स के अंदर मिल जाएगी। आई होप सो कि ये जो चीज़ है वो बहुत जल्द से जल्द आए, क्योंकि एप्पल की अब तक जो मोनोपोली क्रिएट हो रखी थी इस मामले में वो सारी की सारी ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे एप्पल हमसे चार्ज करता है, ऑलमोस्ट कभी कभी तो 3 गुना तक चार्ज करता है। सो अगर देखा जाए तो भाई बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, और आप मुझे बताओ कि क्या आप स्नैपड्रैगन एक्स इलीट के साथ में आने वाले प्रोसेसर का जो लैपटॉप होगा, जो आईपैड होगा, क्या वो आप खरीदना पसंद करोगे, क्योंकि आपको वही परफॉर्मेंस जो कि एप्पल के मैकबुक प्रो के अंदर मिलती है M2 मैक्स तक, वो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी, उससे ज़्यादा ही मिल जाएगी आपके स्नैपड्रैगन एक्स इलीट प्रोसेसर्ड लैपटॉप्स के अंदर। तो बेसिकली आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, वो मुझे जानना है कमेंट के अंदर। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं स्नैपड्रैगन एक्स को पूरा खोल के आपके सामने रख दूंगा जितना भी मुझे उसके बारे में पता है। आई होप सो आप लोग करेंगे मैं तक के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।